हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल में हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और 3ds Max से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो प्लीज़, जिन भी भाइयों ने, दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। और आज हम सब सीखेंगे कि कैसे 3ds Max में हम वीरे का यूज़ करके मटेरियल बनाते हैं। और आज का हमारा मोटिव केवल सिंपल ये चार मटेरियल बनाना है, जिसमें से हमारा फर्स्ट है ग्लास, क्रोम, कलर ग्लास एंड मिरर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स लेंगे, उससे हम लोग अपना फ्लोर टाइप बना लेंगे एंड इसको हम लोग एडजस्ट करके जहाँ भी एडजस्ट करना है इसको, और फिर कन्वर्ट टू इसको एडिटेबल पॉली एंड एज मोड पे जा करके इसमें हम लोग कनेक्शन डालेंगे। तो हमें दो कनेक्शन चाहिए एंड इनको हम लोग साइड साइड में एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि इससे हमें वॉल टाइप बनाना होगा। हमें वॉल निकालनी है चार एंड हम लोग एक और बार कनेक्शन डाल करके और फिर ये हमारा फ्लोर टाइप तैयार हो गया है। इसके साइज़ को आप हम एडजस्ट कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग स्फेयर लेकर के सिंपल एक स्फेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसमें मॉडलिंग में कोई ख़ास ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग इसमें आपको सिर्फ मटेरियल बनाना सिखाने वाले हैं। हम लोग चार मटेरियल बनाने जा रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको चार चार कॉपीज़ ले लेंगे, तीन कॉपीज़ एंड टोटल चार हो गए। इनको सेडिंग से एडजस्ट करके, क्योंकि हमको सिर्फ मटेरियल बनाने हैं, इसमें मॉडलिंग नहीं करनी है कुछ भी। एंड इसको करने के बाद आप लोग F10 प्रेस करके कॉमन में जा करके असाइन रेंडर्स में बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट स्कैनलाइन रेंडर ऑन होता है। इसको हम लोग वीरे 2.40 वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और वीरे एक अलग से प्लगइन है जो 3ds Max के साथ नहीं होता, ये हमको अलग से इंस्टॉल करना होता है। मैं अपनी टेक्सचरिंग ज़्यादातर वीरे से ही करता हूँ तो इसलिए मैंने वीरे में ही ये ट्यूटोरियल बनाया है, वीरे में कि कैसे मटेरियल बनाए जाएंगे। मटेरियल के लिए आप सिंपल M प्रेस करेंगे एंड सबसे ज़रूरी बात, जो भी आप मटेरियल बनाएं उसको हमेशा रीनेमिंग ज़रूर करें। जैसे हम लोग पहला ग्लास बनाने वाले तो हम लोगों ने ग्लास डाल दिया है एंड वीरे मटेरियल सिलेक्ट करके वीरे मटेरियल ग्लास की आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ जाननी होगी। ग्लास क्या होता है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है, हमको सब कुछ उसमें दिखाई देता है। तो इसमें रिफ्रैक्शन हम फुल कर देंगे, जितना ज़्यादा वाइट उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी इसमें एंड थोड़ी सी ग्लास में हमेशा रिफ्लेक्शन भी होती है, जो हम 10 से 15 तक रख सकते हैं। मैंने 15 रखी है। एंड ग्लास बनाते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग चेंज नहीं करते हैं वो है उसका IOR, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास। वो बस खाली रिफ्रैक्शन वाइट करके छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लोग सभी लोग ये ज़्यादातर मिस कर देते हैं। तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग चेंज करेंगे 1.65। ये आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, सिंपली आपको गूगल पे पूरी लिस्ट मिलेगी सभी के इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की, डायमंड्स, ग्लास एंड इन सब की। और ये हमारा ग्लास बन चुका है। अब नेक्स्ट सेकंड मटेरियल हम लोग बनाएंगे क्रोम। क्रोम जो है काफ़ी ज़्यादा शाइनेबल होता है तो इसलिए हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन फुल रखेंगे एंड रिफ्लेक्शन फुल करने के बाद हम लोग इसकी रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस 0.8 रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको 1 रहने देते हैं तो ये मिरर बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन देगा ये, जैसा कि मिरर में हमें दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट मटेरियल हम लोग बनाएंगे कलर ग्लास। कलर ग्लास में वीरे मटेरियल सिलेक्ट करके कलर ग्लास में हमको हमेशा डिफ्यूज़ जो है वो पूरा ब्लैक करना होता है, और ब्लैक करने के बाद रिफ्लेक्शन जो भी हम ग्लास में रखते हैं 10 से 12 या 15 एंड रिफ्रैक्शन में हमें वह कलर देना होता है जिस कलर का हमको ग्लास बनाना है, कलर ग्लास। एंड हमारा कलर ग्लास का मटेरियल तैयार हो गया। एंड लास्ट हमारा आता है मिरर। मिरर जैसा कि सबसे पहले तो ज़रूरी रीनेमिंग ज़रूर कर लें। मिरर जैसा कि हमें पता है कि उसमें फुल रिफ्लेक्शन होती है, तो रिफ्लेक्शन हम फुल कर देंगे एंड रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस को
1.0 ही रहने देंगे, क्योंकि काफ़ी क्लियर दिखाई देता है हमको मिरर में। एंड अब हमारे चारों मटेरियल जो है बन चुके हैं। अब हम लोग हमारे चारों मटेरियल जो है रेडी हैं। अब हम लोग ये इसके जो हमने वॉल्स के लिए कनेक्शन डाले थे इनको पकड़ के एक्सट्रूड कर देंगे सिंपल राइट क्लिक एंड एक्सट्रूड। ये हमारा रेंटरिंग के लिए एक रूम टाइप बन चुका है। अब एज ए रूम टाइप इसको बनाने के बाद हम इसको टॉप से एक बॉक्स से कवर कर देंगे। नोट कर दिया, ये एज ए रूम टाइप बन चुका है लाइटिंग के लिए, जिससे कि हमको रेंडरिंग करने में आसानी हो। मैंने सिंपली बनाया है क्योंकि हमें टेक्सचरिंग पे ध्यान देना था। और ये एक मटेरियल हम लोग वॉल्स के लिए बना देते हैं वाइट कलर का सिंपल, जिसमें मैं बिल्कुल सारी वॉल्स को सिलेक्ट करके ये अप्लाई कर दिया और रिफ्लेक्शन दिया मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ी सी। हम रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस रखेंगे 0.5 के आसपास। एंड अब हम लोगों को एक कैमरा सेट करना है, जिस व्यू में हम लोगों को कैमरा सेट करना है उस व्यू को हम लोग मेंटेन कर लेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में, जिस व्यू में हमें कैमरा सेट करना है। और ये कैमरा के पैनल में आके हम लोग वीरे पे जाएंगे और सिंपली कैमरे को किसी भी व्यू में ड्रैग करेंगे। एंड जिस व्यू में हमको कैमरा सेट करना है उसमें राइट क्लिक के साथ एंटर करेंगे और देन फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और हमारा कैमरा सेट हो जाएगा। एंड लाइट में हम लोग वीरे लाइट यूज़ करेंगे, वीरे प्लेन लाइट। सिंपली टॉप व्यू में जा करके हम लोग एक लाइट लगा देंगे एंड लाइट को अपने अकॉर्डिंगली हाइट पे एडजस्ट कर लेंगे जिस हाइट पे हम लोगों को लाइट चाहिए। एंड वीरे कैमरे के लिए हम लोग वीरे कैमरे की पूरी प्रॉपर्टीज़ एक अलग से ट्यूटोरियल बना के उसमें आप लोगों को बताएंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं वो कवर नहीं करूँगा, बट इसमें थोड़ा सा आपको क्लिपिंग वगैरह का तो पता चल ही जाएगा कि कैमरे को हम लोग क्लिपिंग वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। और जिसने कभी कोई कैमरा यूज़ किया है वो आसानी से ये सारी कैमरे की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी आसानी से समझ सकता है अपने आप भी, क्योंकि वीरे कैमरे की प्रॉपर्टीज सेम एज इट इज़ लाइक कैमरे की तरह होती हैं। इसके अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है सेम एज इट इज़ कैमरे की तरह है। इसके अंदर हम लोग इस टाइम क्लिपिंग यूज़ करेंगे, नियर क्लिपिंग एंड फार क्लिपिंग कि मतलब कहाँ तक हमको कैमरे से दिखाई देना चाहिए, फार क्लिपिंग का यूज़ ये होगा। और नियर क्लिपिंग हम लोग जहाँ से हमें कैमरा का व्यू दिखाना है कि मतलब यहाँ से हम लोगों को दिखना चाहिए। और ये मैंने एडजस्ट कर दिया है, मैं आपको हल्का सा रेंडर करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने लाइटिंग की वैल्यू वगैरह कुछ भी सेट नहीं किया तो हमारा रेंडर दिख रहा है। हाँ, हमें कुछ कुछ तो दिख रहा है। अभी हम कैमरे की वैल्यूज़ वगैरह सेट कर देंगे और लाइट की, उसके बाद हमको हमारा रेंडर अच्छी तरह दिखाई देगा काफ़ी। अभी जो मिरर का टेक्सचर है वो हमको अच्छी तरह दिख नहीं रहा है, तो मैं आपके लिए थोड़ा एक सिंपल सा मिरर टाइप मॉडल कर देता हूँ और उसके ऊपर हम लोग मिरर का टेक्सचर अप्लाई करेंगे एंड फिर हम उसका इफ़ेक्ट देखेंगे। मैं ये इस पे हम लोग मिरर का टेक्सचर डालने वाले मटेरियल एंड ये हमने अप्लाई कर दिया है। और भी मिरर के साइड में हम लोग ब्लैक कलर के एजेस बना देते हैं सिंपल। मॉडलिंग मैं ज़्यादा अच्छी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को सिर्फ टेक्सचरिंग पे ध्यान देना है। ये मैंने मिरर बनाने के लिए आपके लिए अलग से मिरर बनाया है क्योंकि ये स्फेयर पे हमें अच्छी तरह पता नहीं चल पा रहा था कि मिरर का क्या इफ़ेक्ट है। और ये अब हमारा रेंडर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और
अगर आपके काम किया है, आपको कुछ इससे सीखने को मिला है टैक्सिंग के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अभी हमारा रेंडर हो रहा है, एंड जो मैंने आपको अभी 4 टेक्सचर सिखाए हैं, ये कम से कम हमें इंस्टीट्यूटों में काफ़ी पैसे ले लेते हैं। वो एक क्लास हो के 500 से 1000 रुपये लेते हैं, और वो एक दिन में इतना ही सिखा पाते हैं जो कि आप इस 10 मिनट के ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। होपफुली, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके काम की हो, आपको कुछ यूज़फुल इसमें से मिला हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए क्या मतलब किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा।